अपने चैनल हर्षिता में आयुष आर्ट एंड क्राफ्ट में सर, आज हम लोग कुछ पढ़ाई भी कर लेते हैं, इसलिए आज मैं आपके लिए 2 से लेकर 10 तक की 2 से लेकर 20 तक के टेबल्स लाया हूँ। वैसे तो 2 से लेकर 10 तक के टेबल्स सबको आने ही चाहिए, क्योंकि 2 से लेकर 10 तक के टेबल्स तो बेसिक होते हैं। अगर किसी को 2 से लेकर 10 तक के टेबल्स नहीं आते तो फिर वो स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, क्योंकि 2 से लेकर 10 तक के टेबल्स तो बेसिक होते हैं, वो तो सबको आने ही चाहिए। जिस तरह हम लोग इससे लेकर एग्जैक्ट तक के अल्फाबेट्स याद करते हैं, उसी तरह हम लोगों को 2 से लेकर 10 तक के टेबल्स भी याद होने चाहिए। इसलिए आज मैं लाया हूँ आपके लिए 12 से लेकर 19 तक की टेबल्स को ये ट्रिक। अगर आपने ये ट्रिक एक बार सीख ली तो फिर आप इन टेबल्स को कभी नहीं भूलेंगे। आप देखिए इस ट्रिक को कैसे करते हैं। हम लोग 12 का टेबल लिखते हैं। 12 का टेबल लिखने के लिए आपको इन दोनों डिजिट्स को अलग अलग कर लेना होगा। पहले हम लोग 1 का टेबल लिखेंगे, फिर हम लोग 2 का टेबल लिखेंगे। चलो 1 के टेबल लिखने का मतलब होता है कि हम लोगों को 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग सीखनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब हम लोगों को 2 का टेबल लिखना होगा। 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 10, 2, 5, 14, 2, 8, 16, 2, 9, 18 और 2, 10, 20। अब हम लोग को जब तक 1 डिजिट चलती है तब तक तो हम लोगों को इन डिजिट को ऐसे ही लिख देना है। 1 है, 2 है, हो जाएगा 12, 2 है और 4 है, हो जाएगा 24, 3 है, 6 है, हो जाएगा 36, 4 है, 8 है, तो हो जाएगा 48। अब देखो 5 और 10 आ गया, तो 10 तो 2 डिजिट्स हो गई, तो इसके पीछे वाले 1's प्लेस को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे और जो 10's प्लेस है हम लोग उसे 1 के टेबल में प्लस कर देंगे। 0 को ऐसे ही लिख दिया और 1 को 5 के अंदर प्लस कर दिया, जाएगा 6, हमारा आंसर आ जाएगा 60। अब हम लोगों को इसी तरह सब में करना है। 2 है, 2 को ऐसे ही लिख देना है, 1 को 6 में प्लस, हो जाएगा 72। और 4 है, उसको ऐसे ही लिख देना है, 1 को 7 में प्लस, हो जाएगा 84। 6 है, इसको ऐसे ही लिख देना है, 1 को 8 में प्लस, हो जाएगा 96। 8 है, इसको ऐसे ही लिख देना है, 1 को 9 में प्लस, हो जाएगा 108। 0 है, इसको ऐसे ही लिख देना है, और 2 को 10 में प्लस, हो जाएगा 12। और इसी तरह से हम लोगों का 12 का टेबल रेडी हो चुका है। 12, 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
15, 16, 19 तक लेकर आप सारे टेबल्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब हम लोग 13 का टेबल लिखते हैं। 13 का टेबल लिखने के लिए हम लोग हमने इन दोनों डिजिट्स को अलग अलग कर लिया है। पहले 1 का टेबल लिख लिया और अब 3 का टेबल लिख लिया। और अब हम लोग जब तक 1 डिजिट चलती है तब तक हम लोगों को इन दोनों डिजिट्स को एक साथ लिख लेना है। 1 और 3 है जब हम लोग 13 हो जाएगा। 2 और 6 है तो 26 हो जाएगा। 3 और 9 है तो 39 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इसलिए अब हम लोगों को 3 के टेबल के 2 डिजिट्स जो हैं इनका 10 स्पेस तो ऐसा ही देना है और जो 10 स्पेस है उसे हम लोगों को 1 के टेबल में ऐड कर लेना है। और उसके बाद जो ये वाला नंबर है इसके अंदर 5 को हम लोगों ने ऐसे ही उतार दिया है और 1 को 5 के अंदर ऐड कर दिया है। इसी तरह हम लोग सारे कर लेंगे। 8 को उतार दिया, 1 को इसके अंदर उतार लिया और 2 को 9 के अंदर
किया। इसी तरह 0 को उतार लिया, 3 को 10 के अंदर प्लस कर लिया और अब हम लोग का 13 का टेबल भी बन चुका है। 13 पाने के लिए आप मेरे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।